नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल कोचिंग होम 24 पर। तो देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस लेकर आया हूँ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और उसमें कुछ इडियम फ्रेजेस भी रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला पहला कि वन हु लव्स मैन काइंड इज कॉल्ड। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फिलान्थ्रोपिस्ट, यानी कि ऑप्शन बी पहले का राइट आंसर होगा। देखिए, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इनको रट्टा मारना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं कि ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस, ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने, इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा सी डोमिसाइल। क्या होगा इसका राइट आंसर? डोमिसाइल। थर्ड है मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। तो इसका जो राइट होगा वे होगा क्लेप्टोमेनिया, यानी कि ऑप्शन बी थर्ड का राइट आंसर होगा, क्लेप्टोमेनिया। फोर्थ देखते हैं, एक गवर्नमेंट रन वाई ए डिक्टेटर इज कॉल्ड, एक गवर्नमेंट रन वाई ए डिक्टेटर इज कॉल्ड। तो देखिए, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए ऑटोक्रेसी। क्या होगा? ऑटोक्रेसी, जिसे तानाशाह कहा जाता है, तानाशाही। तो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पेनासिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, पेनासिया मीन्स होता है रामबाण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मोर देन इनफ इन अमाउंट और कैपेसिटी, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है एम्पल, एम्पल, ए एम पी एल ई। जे 5-5 दो बार आ गया, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट है एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा सी ऑनरेरी। क्या होगा? ऑनरेरी से होनरेरी नहीं पढ़ा जाएगा, एच क्या हो जाए पर साइलेंट, ऑनरेरी। सेवन्थ देखते हैं, ए हैंड राइटिंग बाई विच कैन नॉट बी इजिली रीड। तो इसका जो राइट होगा वे होगा सेवन का ए इलेजिबल। क्या होगा? इलेजिबल, ऑप्शन ए इसका होगा राइट आंसर। बाकी ऑप्शन डी एडिबल, एडिबल का मतलब जिसे खाने योग्य, बिच कैन नॉट, बिच कैन वी ईट, जिसे खाया जा सकता है, एडिबल। नेक्स्ट है कि वन हु कम्स टू सेटल इन ए कंट्री, तो इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा इमिग्रेंट, ऑप्शन सी, ना कि एमिग्रेंट। देखिए, एमिग्रेंट तब होगा जब आप दूसरे किसी देश में रहने के लिए जाएंगे। जब आपके देश में कोई रहने के लिए आता है जब, तब उसे कहा जाता है इमिग्रेंट। कंट्री में, अपने देश में कोई जब आता है, अगर आप किसी दूसरे देश में रहने के लिए जाएंगे तब उसे कहा जाएगा एमिग्रेंट। नेक्स्ट है कि वन हु इज़ हैबिचुअली गुड टू अदर्स, तो देखिए इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा एल्ट्रस्ट। क्या कहा जाएगा? एल्ट्रस्ट। तो जी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ए प्लेस टू वरी डेड बॉडीज, तो देखिए उसे क्या कहा जाता है? सिमेट्री। क्या कहा जाता है? सिमेट्री। इलेवेंथ देखते हैं, लिविंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, तो देखिए इसका क्या राइट आंसर होगा? आपको दे रखा आंसर साथ में, तो पेरेनियल। नेक्स्ट है ए ईयरली रिटर्न ऑफ ए डेट, तो उसे क्या कहा जाता है? एनिवर्सरी। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड, तो उसे कहा जाता है इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। तो ये भी आप याद रखेंगे। फोर्टीन्थ है द किलिंग ऑफ वन मैन बाई अदर मैन, तो इसे क्या कहा जाता है? एक आदमी द्वारा दूसरे आदमी की हत्या करना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है होमिसाइड। नेक्स्ट है ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिजीज ऑफ द नोज, तो देखिए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है राइनोलॉजी। और एक देखिए होते हैं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हार्ट के डॉक्टर, उन्हें कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। तो वो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए जो कुछ ईडियम फ्रेजेस है, विद ओपन आर्म्स, तो इसे क्या कहा जाता है? इसका मतलब होगा ऑप्शन ए वार्मली। क्या होगा? वार्मली। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो इसका जो राइट होगा बे हो जाएगा ए वेरी फास्ट। क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट। 18 है लाइन्स शेयर, लाइन्स शेयर देखिए जे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बे होगा बी मेजर शेयर। क्या होगा? मेजर शेयर। नेक्स्ट, और जे लास्ट तो नहीं, इसके बाद है एक और, टू क्राई बोल्फ, टू क्राई बोल्फ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए राइट होगा 19th का जो राइट होगा वे होगा डी, टू गिव फॉल्स अलार्म। क्या होगा? टू गिव फॉल्स अलार्म। तो
तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट और ये लास्ट रहेगा बैग एंड बैगेज, तो इसका मतलब होता है विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये पढ़ने से ही आपका काम चल जाएगा, देखिए जे अब आपका एक ही दिन मात्र शेष बचा हुआ है, क्योंकि आपने खुद से भी तैयारी की होगी। जे कुछ मुझे महत्वपूर्ण लगे कि शायद आपने जे पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, परंतु इनके एग्ज़ाम में, क्योंकि जब मैंने बहुत सारे पेपर उठाए अलग अलग एग्ज़ामों के जो 10th या 12th लेवल के रहते हैं, तो उनमें से जो बार बार जो रिपीट होते रहते हैं उनको मैं आपके लिए आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आपने खुद से भी तैयारी की होगी। और देखिए आज एक मैथ की वीडियो भी मैं डालूँगा, वही क्षेत्रफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन रह गए थे या कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए, तो वो मैं आपको करवाऊँगा, वो आप वीडियो शाम को अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कोई भी, जब कोई अपडेट आती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।